दोस्तों लाखों कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमारे लाखों रेलवे कर्मचारियों के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रेलवे बोर्ड की तरफ से सभी संबंधित अधिकारियों को जारी किया गया एक ऑफिस ऑर्डर है। और इस ऑफिस ऑर्डर के अनुसार रेलवे बोर्ड ने जनरल डिपार्टमेंटल कंपिटेटिव एग्जामिनेशन GDCE की वैधता को अगले 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है, क्योंकि इस एग्जाम की वैधता यहाँ पर मार्च 2020 को ख़त्म हो गई थी। तो अब यहाँ पर कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने इस एग्ज़ाम की वैधता को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। और इस एग्ज़ाम के तहत विभिन्न ग्रुप सी की जो कैटेगरीज हैं उनमें 25% पदों को डिपार्टमेंटल कैंडिडेट से ही भरा जाता है, यानी उनके लिए ये एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट की जाती है। तो इस एग्ज़ाम की वैधता को समय समय पर बढ़ा दिया जाता है। एक बार फिर से कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस एग्ज़ाम की वैधता यहाँ पर 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है, यानी कि अगले 2 साल और यहाँ पर रेलवे कर्मचारी खासतौर से जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उन्हें ग्रुप सी की विभिन्न जो पोस्ट हैं उनमें जाने का मौका मिलेगा। तो ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमारे लाखों रेलवे कर्मचारियों के लिए कि यहाँ पर GDCE एग्जाम की वैधता को अगले 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है। तो फिलहाल स्टूडियो में इतने जानकारी आपको चलिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।